हेलो दोस्तों, मैं आपका फ्रेंड रवि और बहुत बहुत स्वागत है आपको हमारे इस यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो उन लोगों के लिए जो कि रूरल एरिया से बिलोंग करते हैं, यानी कि ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, जो कि रहने के लिए उनके पास निवास नहीं है, घर नहीं है, जो कि अपने वेट कर रहे हैं ताकि जो भी प्रधानमंत्री से उन्हें सहायता मिले, उनसे अपना घर बना सके। और उनका नाम दिया हुआ है, उनका लिस्ट में पता है कि नहीं है, ये उनको पता नहीं है कि मेरा कब आएगा और लिस्ट में मेरा नाम है भी या नहीं है। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि कैसे वो अपने फोन से अपने चेक कर सकते हैं कि क्या मेरा लिस्ट में नाम आया है या नहीं आया। तो दोस्तों, चलिए वीडियो पर बढ़ते हैं। वीडियो पर बनने से पहले बता दें कि अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए हैं तो कृपया जाकर चैनल पे नीचे रेड कलर के बटन दिए हुए उस पर सब्सक्राइब करें और बगल में बेल आइकॉन दिया है वहां पर जाकर प्रेस करें, ताकि इससे क्या होगा कि जो भी मैं लेटेस्ट वीडियो को अपलोड करूंगा आपके पास पहुंचेगा और आप इसका लाभ इजिली आसानी से उठा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो पर बढ़ते हैं। सबसे पहले क्या करना है, अपने फोन या कंप्यूटर पे अपने ब्राउजर किसी भी ब्राउजर पे जाना है और वहां पे टाइप करना है pmayg.nic.in, यानी कि प्रधानमंत्री ग्रामीण योजना का ये जो वेबसाइट है ये, तो उसको आपको टाइप करना है pmayg.nic.in। ठीक है, जब इसको आप टाइप करेंगे, सबसे पहले आपको टाइप करने के बाद आपको एक इंटरफेस ओपन हो जाएगा। आपको अगर आपको कंप्यूटर में कर रहे हैं तो अगर मेन होम नहीं आता है तो होम पे क्लिक करके आप होम पे चले जाए, उसके बाद एक पॉपअप आएगा, उसको पॉपअप को आपको कर लेना है। उसके बाद क्या करना है कि सबसे टॉप में आपको एक ऑप्शन दिखेगा, सेक्शन दिखेगा, जो कि रिपोर्ट की सेक्शन मिलेगा। आपको क्या करना है, उस पर सिंपली रिपोर्ट पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप रिपोर्ट पे क्लिक करेंगे, आपको सबसे फर्स्ट इस सेक्शन में आपको मिलेगा एक सेक्शन जो कि फिजिकल रिपोर्ट का सेक्शन मिलेगा। उसमें क्या करना है कि आपको सेकेंड नंबर पे आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा जो कि उस पर लिखा रहेगा हाई लेवल फिजिकल प्रोग्रेस रिपोर्ट। तो आपको क्या करना है, उस सेकेंड ऑप्शन को ओपन कर लेना है। जैसे ही आप उसे ओपन करेंगे, आपको पूरा स्टेट का डाटा देखने को मिल जाएगा। तो उसके बाद आपको क्या करना है, सबसे ऊपर में जाएंगे तो आपको जो ये ग्रामीण योजना का जो तहत जो ये लागू हुआ था 18-19 का ये सेक्शन था, तो आपको क्या करना है, सबसे ऊपर में आपको ईयर चूज कर लेना है। जैसे आप ऊपर क्लिक करेंगे तो 18-19 आपको देखने को मिल जाएगा, तो आपको उसको सिलेक्ट कर लेना है। जैसे आप उसको सिलेक्ट करेंगे, फिर आपको एक ऑप्शन चूज करने को मिलेगा, उसमें आपको चूज करना है ग्रामीण आवास योजना को ऑप्शन एक दिखेगा सबसे ऊपर में ग्रामीण का, ठीक है, प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना, उसको आपको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको फिर आपको एक ऑप्शन मिलेगा, आपको उसमें अपना जो कि जिस स्टेट से आप बिलोंग करते हैं उस स्टेट को अपना सिलेक्ट कर लेना है। जैसे ही आपका जो अपना राज्य सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद एक ऑप्शन मिलेगा आपको एक डिस्ट्रिक्ट का, किस डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं, उस राज्य किस डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं, आप उस डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट कर लें। फिर जैसे आप डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करेंगे, आपको उसमें मिलेगा कि आप किस गांव से रहते हैं, आपको किस ब्लॉक से रहते हैं, आपको ब्लॉक चूज करना होगा। उसके बाद फिर आपको फिर ब्लॉक चूज कर लेना है। फिर जैसे ही ब्लॉक आप चूज कर लेते हैं, उसको उसमें नीचे भी एक ऑप्शन आपको आएगा मिलेगा उसमें कि आप किस गांव से हैं। तो जब वो अपने गांव को जब सिलेक्ट कर लेंगे, तो आपको वहां पे सबसे नीचे में आपको पूरा डाटा दिखेगा कि जो कि जिनका जिनका नाम है उनको डाटा पूरा ऑल डाटा आपको देखने को मिल जाएगा कि किसका नाम है, उसका आईडी क्या है, रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है, आपका कितने डाटा है, कितना पैसा है, कंप्लीट हुआ है या नहीं हुआ है, तो आपको पूरा डाटा दिख जाएगा। अगर चाहते हैं तो आपको ऊपर में देखने को मिल जाएगा, आपको उसके डाउनलोड भी कर सकते हैं। आप दो फाइल मिल जाएगा आपको डाउनलोड करने के लिए, तो चाहते हैं तो आप सिंपली वहां पे क्लिक करके उसे आप डाउनलोड कर लें, डाउनलोड करके अपने फोन में रख सकते हैं और इजीली से आप इसे दे सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है आप लोग को ये वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा और बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो दूसरे को भी बताएं, व्हाट्सएप पे शेयर करें, ताकि उन्हें भी पता होगा, जिनको पता नहीं है उनके लिए हेल्पफुल हो सके, उनको पता चल जाएगा कि नहीं, मेरा भी ग्रामीण में आवास योजना में मेरा भी नाम आ गया है और बहुत ही जल्द उनको पैसा मिल जाएगा। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा। तब तक के लिए मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।